कोरोना के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गई है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। मल्टीप्लेक्स थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र SOP जारी करेगी। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए भी राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। आगे जानिए कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या है सहूलियतें। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगी, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए भी युवा एवं खेल मंत्रालय SOP जारी करेगी। एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क खोले जाएंगे, इसके लिए अलग से SOP जारी की जाएगी। स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट किस तरह खुलेंगे, इस पर राज्य सरकार 15 अक्टूबर के बाद फैसला करेगी और SOP जारी करेगी। स्कूल के लिए पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन अटेंडेंस जरूरी नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहे तो इसकी इजाजत दी जाएगी। आइए जानते हैं जमावड़ों पर क्या सहूलतें दी गई हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे सकते हैं। बंद जगहों पर कैपेसिटी से 50% और ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों की इजाजत होगी।